जब मैं यूजुअली ढाबों पे जाता हूँ ना, तो मुझे एक बात का डर होता है कि जो पनीर है ना वो मीठी वाली ना हो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को राम राम। क्या खाऊं क्या बनाऊं के सफर में आप सभी का स्वागत है। आज नोएडा सेक्टर 62 में नोकिया वन का एक ऑफिस है, बहुत बड़ा सा ऑफिस है। वहां पर एक मेरे को श्याम जी के भगत मिले और श्याम जी का ढाबा भी मिला है, तो आइए उनसे बात करते हैं। आ सकते हो दोस्तों, आप आ सकते हो, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो सर, आप जाओ जाओ। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे मिले हैं, इनसे बात करता हूँ, मिलवाता हूँ मैं आप लोगों को, आ जाओ। तो यहाँ पे थाली है, 50 रुपये की भी थाली मिलती है और 30 रुपये का कढ़ी चावल भी मिलता है। बाकी सब जानकारी मैं भाई से दूंगा। क्या नाम है भाई? मेरा नाम सर शिवा गुप्ता है। शिवा गुप्ता जी, कब से भैया ये दुकान खोल रखी है? 8 साल हो गए सर। 8 साल हो गए, अच्छा। और ये कैसे आइडिया आया आपको, आलू नान थाली 50 रुपये में? सिर्फ यहाँ नोएडा में 50 रुपये की थाली में बचत हो जाती है? ये कंपनी एरिया है, यहाँ लंच होता है। अच्छा, तो उसमें 2.5 घंटे का यहाँ लंच होता है। अच्छा, यहाँ पर हम सुबह आते हैं 12 बजे। अच्छा, और 3:30 बजे निकल जाते हैं। अच्छा, ओनली लंच ही लंच करते हैं। अच्छा, अब आप समझते हो होटल में 5-6 जने आएंगे चले जाएंगे, 5-6 जने आएंगे, या तो लंच का, या तो 20 जने इकट्ठे आते हैं, 20 जने इकट्ठे आ गए चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, अभी मैं आया तो यहाँ पे थालियाँ, हाँ थालियाँ सर, ये पीछे पूरी टेबल पड़ी है सारी। अच्छा अच्छा, पीछे भी है? पीछे भी। तो भैया आप बता रहे थे 50 रुपये की थाली में आप कढ़ी चावल भी दे देते हो? कढ़ी चावल, 2 आलू नान, शाही पनीर, दाल मखनी, सलाद, ये सब 50 रुपये की थाली में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ना 80 रुपये की भी थाली है और 70 रुपये की थाली है, लेकिन भैया ने जिस हिसाब से बताया ना 50 रुपये की थाली में इतने सारे आइटम, तो चलो अब देखते हैं और सामान दिखाता हूँ मैं आपको। भैया कितनी सब्जी रखते हो? सर 5 सब्जी होती है। 5 सब्जी? 5 सब्जियाँ? और मैं अगर बोलूँ नान और पराठों में क्या क्या आइटम है तो? सर प्लेन रोटी है, प्लेन नान, आलू नान, लच्छा पराठा, बटर नान, और चूर चूर नान भी बना देते हैं अगर डिमांड होती है। अच्छा, कम से कम 10 क्वांटिटी 10 आदमी का होता है ना, तो हाथ का तैयार करते हैं चूर चूर नान का। चूर चूर नान थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम टेकिंग है सर, उसमें टाइम लगता है थोड़ा मटेरियल। तो ढेर सारी बात करी हमने भैया से। और ये क्या श्याम जी के, श्याम जी के नाम से आपने? श्याम जी के नाम से। श्याम जी, अच्छा कैसे? भगत जी ये खाटू श्याम जी के हर महीने जाते रहते हैं वहाँ का। जय हो, जय हो। उन्हीं के नाम से चलता है क्या? ओम श्री श्याम देवाय नमः। एक रेस्टोरेंट भी, वो भी श्याम जी के रेस्टोरेंट के नाम से। अच्छा, तो इसलिए शायद भैया श्याम जी के भगत हैं, इसलिए शायद इतनी कृपा हो रखी है। और सब्जियां दिखाता हूँ मैं आपको लाइन से। भैया सबसे पहले दिखाओ क्या है ये? शाही पनीर। अच्छा, तो ये है शाही पनीर, इसमें आप देख सकते हो पीस, बढ़िया बढ़िया। अगला चलो, अगला भैया थोड़ा ऊपर से दिखाओ अभिषेक जी। ये कढ़ी, क्या बात है, शानदार पकौड़ी वाली कढ़ी है। छौका किसका मारते हो भैया इसमें, कुछ बताओ? छौका किस, आप उस्ताद हो, कौन है कारीगर आप? अच्छा अच्छा, और दाल मखनी भी है, 3 चीजें तो भैया बहुत शानदार शानदार है। अगला राजमा, इसके नेक्स्ट पे छोले तो नहीं है? आलू हो गए। अच्छा, अगला ये है आलू। तो ये 5 तरीके की सब्जी भैया ने सुंदर से श्याम बाबा के ढाबे पे रखी हुई है। और अब हम अपनी प्लेट लगवाते हैं, 50 रुपये वाली प्लेट लगवाते हैं। 50 रुपये वाली प्लेट लगवाता हूँ मैं अपनी। और वहाँ पे भैया हमारी रोटी तैयार, उसमें कौन सी रोटी आएगी? थी बटर नान की? आलू नान आएंगे, बटर लगा के। आलू नान आएगा बटर लगा के, तो पहले हम आलू नान लगवा लेते हैं, फिर आप प्लेट में लगा देना भैया, ठीक है? अब आलू नान की मेकिंग दिखाओ अभिषेक जी। हाँ, यहाँ पे हमारे भैया खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? सूरज नाम है सर। सूरज नाम है सर का? हाँ जी। तो अब सर हम दिखाएंगे आलू नान की मेकिंग, कोशिश करो अभिषेक जी यहाँ पे अच्छे से दिखा पाओ आप, ठीक है? शकल दिखाना जरूरी नहीं है, ये दिखाना ज्यादा जरूरी है। और ये आलू भर लिया भैया ने, एक थाली में कितनी नान आती है? दो नान आती है। आप एक ही लगा देना हमारे लिए, हम इतना खा नहीं पाए। खा लेंगे अभिषेक, भूखा है? नहीं है, है? चल देखेंगे, लग जाएगी तो देखा जाएगा। धनिया वनिया लगा के भैया ने बढ़िया से कर दिया। कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको? 8 साल। 8 साल से? आप भी 8 साल से? अच्छा, एक साथ ही जुड़े हो आप सब लोग, बड़ी तेज स्पीड है यार भैया आपकी। तंदूर में दिखाओ अभिषेक जी।
सही है। अब ये जब हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, अपनी थाली लगेगी, थाली रेडी होगी, उसके बाद थाली की तरफ चलते हैं और टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके बताता हूँ। भैया बहुत सारे, भैया मेरे को लग रहा है ये हमने कड़ी चावल, मतलब 50 रुपए की थाली में जो आप कड़ी चावल दे रहे हो, मेरे को लग रहा है ड्यू टू कॉम्पिटिशन दे रहे हो। कॉम्पिटिशन बढ़ा हुआ है। एक बार पीछे की तरफ दिखाइए अभिषेक, पीछे की तरफ देखो, करीबन होंगी 6-7 दुकानें होंगी, 15 दुकान है वो। आज संडे को आधी दुकान लगी नहीं है। अच्छा आज संडे है इसलिए आधी दुकानें नहीं लगी हुई हैं। ये भी दुकान है, यहाँ बिरयानी की लगती है, फिर वो भी चालू होती है। बहुत सारी दुकान है यहाँ, बहुत सारी दुकान है। दुकान 20 है जिसमें कि आज लगी नहीं है, 8-10 दुकान नहीं थी, 7-8 दुकान नहीं थी, इसलिए भैया इतना कॉम्पिटिशन है। और शाम जी के भगत हैं तो दुकान चलाने के लिए दिमाग तो लगाएंगे भाई। निकाल दिए, सूरज नाम था आपका? हाँ जी। सूरज सर ने दो नाने निकाल दिए, आलू नान और बालू नान में बटर लग जाएगा। और ये बढ़िया से भैया ने ब्रश से लगा दिया है, क्या हैवी लोडेड हो जाएगी ये प्लेट। 50 रुपए में इतनी ज्यादा क्वांटिटी दे रहे हैं भैया। और यहाँ पे आ गई ये प्लेट हमारी, अब आ गया चलता हूँ। भैया ने चावल सलाद और नान रख दिए, इसके बाद भैया डालने जा रहे हैं इसमें शाही पनीर। क्या बात है, शाही पनीर के बाद नेक्स्ट चलेंगे हम भैया दाल मखनी डालने जा रहे हैं। दाल मखनी, वाह जय हो जय हो। और दाल मखनी के बाद कढ़ी हो गई प्लेट रेडी भैया, क्या बात है, शानदार। ये प्लेट रेडी हो गई है, भैया ने इसमें चम्मच वम्मच लगा दिया, एक चम्मच और देते आप, देते आप। अब चलते हैं टेस्ट करते हैं अभिषेक, और टेस्ट बताएंगे भाई लोगों को कैसा है कैसा नहीं है। तो अब ये हमारी प्लेट हो गई है रेडी, और सबसे पहले शुरुआत में हम खाएंगे कढ़ी चावल। 50 रुपए की प्लेट में आप देखो क्या क्या दे दिया भैया ने, कितना भर के आइटम दे दिया है। दाल मखनी, पनीर ले, सलाद ले, आलू नान लो, और ये कढ़ी चावल। भाई कढ़ी तो बढ़िया बनी है, कढ़ी ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है। अब चलते हैं अपनी नान की तरफ, आलू नान। पहले आलू नान को खाएंगे भैया। प्याज नहीं रखते आप? प्याज, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अब ये पहले हम खाएंगे दाल मखनी के साथ। अब पनीर के साथ खाता हूँ फिर बताऊंगा आपको। देखो मुझे ना एक बात का डर होता है जब मैं यूजुअली ढाबों पे जाता हूँ ना, तो मुझे एक बात का डर होता है कि जो पनीर है ना वो मीठी वाली ना हो। कई बार ऐसा होता है कि ग्रेवी जो होती है ना बहुत मीठी होती है, यहाँ पे ना ऐसा नहीं है, खाना ठीक है, अच्छा बना है, बढ़िया बना है। 50 रुपए के हिसाब से मेरे हिसाब से भैया ज़्यादा ही दे रहे हैं सामान, और ठीक ठाक भी बनाया हुआ है, बढ़िया बना हुआ है। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एड्रेस भैया, एड्रेस एक बार बता देते आप, नोएडा सेक्टर 62 बी ब्लॉक नोकिया कंपनी, नोकिया कंपनी के पास लगाते हैं। आप आओ, कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 11:30 से 3:30 बजे तक। 11:30 से 3:30 का शो है ये, आप सभी आए शाम जी के ढाबे पे 50 रुपए वाली थाली एंजॉय करें, जो मैंने ली है मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। अगर आप सबका भी राउंड लगता है तो आप सब भी आए, सूरज भाई मिलेंगे और हमारे गुप्ता, क्या नाम भैया? शिवा गुप्ता भाई मिलेंगे, शिवा जी और सूरज जी दोनों भाई मिलेंगे। धन्यवाद और प्रणाम सभी को। अब मैं जा रहा हूँ पूरी थाली टेस्ट करने, खाने टेस्ट करने खाने। चलो नमस्ते और धन्यवाद।